नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी। दोस्तों, पाकिस्तान जीत गया है इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन मैच देखते देखते मुझे आज की वीडियो बनाने का आइडिया आया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब युवराज सिंह LBW आउट हुआ तो पहले अंपायर ने अपील को खारिज कर दिया था। फिर जब पाकिस्तान की टीम ने रिव्यू कराने का फ़ैसला किया, फिर उन्होंने एक ब्लैक कलर के कैमरे से, जो ब्लैक कलर का व्यू आता है उससे, वो बॉल को चेक किया, जिससे वो वाइट वाइट सी हो जाती है जहाँ पर बॉल लगती है, और उससे चेक कर युवराज सिंह को आउट घोषित कर दिया। तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको ये व्यू देखने को मिल रहा था, तो इसके अंदर पता नहीं चल रहा था कि बॉल पहले बैट पर लगी है या पैड पर। फिर एम्पायर ने स्नीकोमीटर का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो स्नीकोमीटर है वो बस ये बताता है कि बैट से कोई चीज़ टकराई है या नहीं। अब वो बैट नीचे भी टकरा सकता है, बैट पैड से भी टकरा सकता है, और बैट बॉल से भी टकरा सकता है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि बॉल कहाँ टकराई है, इससे बस ये पता चलता है कि बैट से कुछ टकराया है। फिर एम्पायर ने यूज़ किया हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक इंफ्रारेड कैमरे का यूज़ करते हैं, जिसे आप थर्मल कैमरा भी कह सकते हैं। इससे इस पूरे सिचुएशन की जो आप है थर्मल इमेज निकालते हैं। उससे क्या होता है, अब आप सोचते होंगे कि थर्मल इमेज तो कुछ इस तरह की दिखती है। तो जी हाँ, थर्मल इमेज इसी तरह की दिखती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा फ़र्क है। इसके अंदर जिस जगह का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है, उस जगह को ये ब्लैक से डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर था तो उसका टेम्परेचर सेम रहा, तो इसे वो ब्लैक से शो कर रहा है। और जिस जगह का टेम्परेचर जो एकदम से बढ़ता है, उस जगह को वो वाइट कलर से शो करता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। तो उस हीट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाता है, और उसे वो यहाँ पर ये वाइट कलर का डॉट आ जाता है। तो ये थी आपके सामने हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और थर्मल कैमरा कैसे काम करता है और स्नीकोमीटर कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।